संसार में जो दिख रहा है वह मनुष्य के कर्मों का खेल है। एक व्यक्ति संपन्न है तो दूसरा गरीब, एक स्वस्थ है तो दूसरा बीमार, एक बलशाली तो दूसरा निर्बल, एक की आवाज पर सैकड़ों एकत्रित हो जाते हैं तो एक की आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। कर्मों की यह विविधता देखकर यही फलित होता है कि जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अगर प्रभु ने हमें मानव जीवन दिया है तो हमें अच्छे काम करने चाहिए और अपने जीवन को वासनाओं से मुक्त करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। जिसके संयोग से जीव जीता है और जिसके वियोग से मर जाता है उसे प्राण कहते हैं। जीवन में कब कौन मृत्यु का शिकार हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। मृत्यु सत्य है और मनुष्य की सद्गति और दुर्गति का कारण केवल उसके विचारों एवं कर्मों पर ही निर्भर करता है। दुर्गति और कालचक्र के बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें अपना शरीर बहुत ही प्यारा लगता है पर यह जाने वाला है, यह भी अटूट सत्य है। उसकी मोह ममता पहले से ही छोड़ दें। यदि पहले से नहीं छोड़ी तो बाद में बड़ी दुर्दशा होगी। भोगों में, रुपयों में और पदार्थों में आसक्ति रह गई, उनमें मन रह गया तो बड़ी दुर्दशा होगी। सांप, अजगर, भूत, प्रेत, पिशाच आदि न जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। एक बाल ब्रह्मचारी विरक्त त्यागी संत थे। वे पैसा नहीं छूते थे और एकांत में भजन करते थे। एक भाई उनकी बहुत सेवा किया करता, रोजाना भोजन आदि पहुंचाया करता। एक बार किसी जरूरी काम से उसे दूसरे शहर जाना पड़ा तो उसने संत से कहा कि महाराज मैं तो जा रहा हूं। तो संत बोले कि भैया हमारी सेवा तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम जाओ। उसने कहा कि महाराज पीछे न जाने कोई सेवा करे न करे, मैं 20 रुपए यहां सामने गाड़ देता हूं, काम पड़े तो आप किसी से कह देना। बाबाजी नाना करते रहे पर वह तो 20 रुपए गाड़ ही गया। अब वह तो चला गया, पीछे बाबाजी बीमार पड़े और मर गए, मरकर भूत हो गए। अब वहां रात्रि में कोई रहे तो उसे खड़ाओं की खट 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 आवाज सुनाई दे, लोग सोचें कि बात क्या है। जब वह भाई आया तो उसे कहा गया कि वहां रात को खड़ाओं की आवाज आती है, कोई भूत प्रेत है पर किसी को दुख नहीं देता। वह रात्रि में वहां रहा, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने प्रार्थना की तो बाबाजी दिखे और बोले कि मरते वक्त तेरे रुपयों की तरफ मन चला गया था, अब इन्हें तू कहीं लगा दे तो मैं छुटकारा पा जाऊं। बाबाजी ने रुपयों को काम में भी नहीं लिया पर मेरे लिए रुपए पड़े हैं, इस भाव से ही यह दशा हो गई। अब वे रुपए वहां से निकालकर धार्मिक काम में लगाए गए, तब कहीं जाकर बाबाजी की गति हुई। ऐसे ही वृंदावन की एक घटना हमने सुनी थी। एक गली में एक भिखारी पैसे मांगा करता था। उसके पास 1 रुपए से कुछ कम पैसे इकट्ठे हो गए थे। कुछ दिन बाद वह मर गया। जहां उसके चिथड़े पड़े थे वहां लोगों ने एक छोटा सा सांप बैठा हुआ देखा। उसे कई बार दूर फेंका गया पर वह फिर उन्हीं चिथड़ों में आकर बैठ जाता। जब नहीं हटा तो सोचा बात क्या है। सांप को दूर फेंककर चिथड़ों में देखा तो उसमें से कुछ पैसे मिले। वे पैसे किसी काम में लगा दिए तो फिर वह सांप देखने में नहीं आया। यह जो भीतर वासना रहती है यह बड़ी भयंकर होती है। वासना तब रहती है जब वस्तुओं में प्रियता होती है। जहां वस्तुओं की प्रियता या आकर्षण रहता है वहीं भगवान की प्रियता जागृत होनी चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की प्रार्थना करें। खुशी मन की एक अवस्था है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती है। खुश रहने की एक ही कुंजी है इच्छाओं में कमी। सर्वतः परिपादम तत्सतोक्षिशिरोमुखम, अर्थात वह समय समय पर संसार में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए सगुण रूप में अवतरित होता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते वे मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।